कोई है कोई सुन। मुझे इजाजत दे कि मैं अपना वादा निभा सकूं। ये तो बहुत है, लेकिन शायद उनमें से किसी एक मसले का हल भी नहीं। वक्त ऐसा भी था जो मेरे चुप रहने पर भी तुम तो मेरी साथ। किस हक की बात कर रही हो? वो शौहर नहीं है मेरा, सिर्फ एक डाकू को भी मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदों से मुंह नहीं मोड़ता। और सुनो सुनो, ये अंकल के काम ना खुद करो, हिम्मत से काम लो। सीधा यहाँ आए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। ठीक है, ये हो गया। वीवर ड्रामा से आसानी प्रमो ड्रामा बहुत ही गमगीन होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पलक अपनी तबाही की तरफ जा रही है। अब हमजा और पलक अलग होने के बाद तो पलक के लिए अपना रास्ता और भी साफ हो गया है। पलक जैसे इंसान फरामोश शायद कोई होगी जिसको इतना अच्छा घर और इतना अच्छा शौहर मिला, मगर उसके लालच ने उसकी जिंदगी तो हरा भी की है। अब झूठ बोल बोल कर नवाल और हमजा को भी एक दूसरे से अलग कर दिया। पलक इस कदर गिर जाएगी, नवाल ने सोचा नहीं।